कि संघ में कहा जाता है सूचना मिली तो सोचना बंद, क्या यह तानाशाही नहीं है? संघ में सरसंघ चालक का चुनाव क्यों नहीं होता है? क्या संघ का पंजीकरण है? क्या संघ के हिसाब किताब का ऑडिट होता है? अब संघ पंजीकृत क्यों नहीं है? क्योंकि जब संघ शुरू हुआ तो स्वतंत्र भारत की सरकार नहीं थी, 1925 की बात है, तो चला और चल पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भी चलता पड़ा, स्वतंत्रता के बाद पे कानूनों में हर एक संस्था ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ऐसा कानून नहीं है। और कानून संघ को एक स्टेटस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसके तहत हम चल रहे हैं। उस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को उस स्टेटस के आधार पर कानूनन हमको टैक्स नहीं है, इसलिए हिसाब किताब हमारा मांगती नहीं है सरकार। लेकिन हमको हमारी साख को जतन करना है, एक एक पाई का हिसाब हम रखते हैं, प्रतिवर्ष हम ऑडिट करते हैं। ऑडिट के नियमों के अनुसार हमारा प्रत्येक इकोनॉमिक यूनिट का ऑडिट प्रतिवर्ष नियमित होता है, इसमें कोई नरमी हम बरतते नहीं है। और अगर सरकार कभी मांगेगी लाओ हिसाब, तो हमारा हिसाब तैयार है। हम कानून को मानकर चलने वाले लोग हैं, जो कुछ है वो कानूनन है। और हिसाब किताब का ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट करने के लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाहर के उनको नियुक्त करते हैं, और बाकायदा वो जो फॉर्मेट है उसके अनुसार हमारा हिसाब किताब रखा जाता है। बैंक खाता के द्वारा सब व्यवहार चलता है, कोई ऐसा पैसा इधर से उधर हम कभी करते नहीं। अब सरसंघ चालक का चुनाव क्यों नहीं होता? क्योंकि सरसंघ चालक डॉक्टर हिडगेवार रहे, उसके बाद गुरु जी रहे, ऐसे लोग रहे, इसलिए वो श्रद्धा का स्थान है, तो उसकी नियुक्ति। मेरे बाद सरसंघ चालक कौन होगा ये मेरे मर्जी पर है, और मैं सरसंघ चालक कब तक रहूंगा ये भी मेरे मर्जी पर है। लेकिन मैं ऐसा हूं तो संघ ने एक होशियारी बरती कि मेरा अधिकार संघ में क्या है, कुछ नहीं है, मैं केवल फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर हूं, सरसंघ चालक को और कुछ करने का अधिकार नहीं है। संघ का चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी सर कार्यवाह है, उसके हाथ में सब अधिकार है। वो अगर मुझे कहेगा कि ये बंद करो और तुरंत नागपुर चले जाओ, तो अभी मुझे उठ के जाना पड़ेगा, और वो जो है उसका चुनाव विधिवत प्रति 3 साल होता है। संघ ने सरकार को अपना लिखित संविधान दिया, तब से आज तक हमारा एक भी चुनाव एक दिन भी पोस्टपोन नहीं हुआ है। नीचे शाखाएं प्रांतों को प्रतिनिधि को बनाती है, और अन्य स्तर के संघ चालकों का चुनाव विभाग, जिला और क्षेत्र के प्रांत के वहां होता है, और अखिल भारतीय प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो हर 3 साल में सरकारी विभाग को चुनते हैं। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ विधिवत उसके भाव को पूर्ण ध्यान में रखकर एकदम ठीक से होती है। सबसे नियमित चुनाव वाला संगठन शायद दुनिया में भी संघ है। केवल जब संघ पर प्रतिनिधि प्रतिबंध था उस समय चुनाव का वर्ष इमरजेंसी में आया था, उस साल चुनाव नहीं हुए, लेकिन पहला काम प्रतिनिधिसभा बंदी उठने के बाद जो पहली हुई उसमें हमने चुनाव करवाए। तो हम इस मामले में बहुत नियमित है, और सूचना मिली तो सूचना बंद, ये बात सही है, लेकिन सूचना मिलने के पहले का मामला इसमें नहीं है। सूचना बहुत चर्चा के बाद ही मिलती है। अब मैं ये 2 दिन का भाषण दे रहा हूं, मैं अपना एक्सट्रीम पोर दे रहा हूं, आपको लगता है कि मेरे मन से मैं बोल रहा हूं? मैंने इसके पहले सब प्रमुख अधिकारियों से इसमें क्या रखना क्या नहीं रखना इसकी चर्चा की है। मैंने कहा कि ये रखूंगा, तो उनका नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने विड्रॉ किया है, और मैं जो बोल रहा हूं वो संघ की सहमति बोल रही है। अब मेरे इस बोलने का संघ में कोई प्रतिवाद नहीं करेगा, सूचना मिली सूचना बंद, लेकिन सूचना के पहले बहुत सोचना हो गया।
और मेरा अपना विचार कुछ भी रहे, मैं उस सोचने के अनुसार बोल रहा हूं। यह संघ की पद्धति है। आपको लगता है कि आपस में सिर फुटोवल होना यही डेमोक्रेसी है? अरे डेमोक्रेसी का एसेंस है सर्वसहमति, जैसे अपने संविधान बना, संघ में हर बात ऐसी सर्वसहमति बनाकर होती है। इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि सूचना हो गई सूचना बन, किसी आदमी को कहो आप वो करेगा क्या नहीं करेगा, ये हो नहीं सकता। सूचना बन नहीं कर सकते आप, तब कर सकते हैं जब सबका विचार लेके एक समन्वित सर्वसहमति बनी हो। वो हम करते हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कहने पर उसका पालन भी होता है, वो मन से होता है, तानाशाह के कारण नहीं होता है।